स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में और हम हैं अभी गोरखपुर में और ये हमारा दूसरा व्लॉग है गोरखपुर का। तो हम जब आए थे यहाँ पे हमने खाना पीना खा के हम आराम से सो गए थे और मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं मालूम फिर क्या ही हुआ। दीदी ने बोला था कि तू जगे रहना, देखना कि कोई अगर बेल बजाए तो तेरा काम है, तू जगे रहना। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को भी नींद आ गई, फिर मैं भी सो गया। फिर अभी करीब 5 बजने वाले हैं, जो वहाँ पे कार्यक्रम है 5:30 बजे से है, तो जल्दी से निकलते हैं। और वेन्यू है चंपा देवी पार्क। निकलने से पहले यहाँ पर रिसेप्शन में बहुत सारे मीडिया वाले हैं जिनसे हमें थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, तो हम होते हुए चलेंगे और आपको आज का पूरा दिन दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा इस सारे ब्लॉग में। कि मेरे बैग में क्या क्या चीजें हैं, फेस वॉश, एक्स्ट्रा मास्क, ब्यूटी ब्लेंडर, डायरीज रखती हूँ। चलो हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट्स तैयार है, अब जल्दी से चलते हैं नीचे। पापा भी वेट कर रहे होंगे। दीदी बहुत बढ़िया। और हम डिजिटल मीडिया पार्टनर भी, आपका भी जो प्रोग्राम होगा वो भी हम ही दिखा रहे हैं एनडी के। अभी तक 77 लाख लोगों ने देख लिया है, 23 लाख आपकी वजह से बढ़ जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। मेरे नहीं नहीं, हमारे चैनल का सौभाग्य है मैम कि तो ये है यहाँ का नज़ारा, हम सभी लोगों से अभी मिले। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। बाय बाय। रेडी? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बिल्कुल रेडी। अब हम पहुंच चुके हैं बैक स्टेज। काफी हलचल है यहाँ पर, बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भी है और बाहर बहुत सारे लोग मिलने के लिए खड़े हैं। तुम तो कुछ बोलो और ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ। मैंने मेकअप किया है आज, अच्छी लग रही हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ग्रीन रूम में, इधर पप्पा की बहन आई है पप्पा से मिलने के लिए और ये है गुड़िया दीदी और दोनों भाई बहन तब से बैठ करके एक जगह बहुत सारा बात बतिया रहे हैं। फैमिली टाइम है बिल्कुल, जब तक हम लोग का कॉन्सर्ट शुरू नहीं होता है। तो मैं सभी अभी हमें कोई पूछ नहीं रहा है, अभी दोनों भाई बहन लगे हुए आपस में। आगे फोटो खींच दिया, फोटो खींचो रे बढ़िया से। साढ़े चार हजार कील है जिससे मेरी शक्ल बन गई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम कुछ इंस्टाग्राम के स्टोरीज देखे जो लोग हमें टैग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, हमें कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मेरा फोन एकदम नो सर्विस पे चला गया। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग स्टेज पर जाने वाले हैं। अभी ऋषभ चला गया है पूरा सेटअप करने के लिए और मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ ग्रीन रूम में। और बाहर सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग मैडम लोग परेशान हो गई है, सबको रोकते रोकते सब ग्रीन रूम के बाहर है। बिल्कुल क्या हुआ, भीड़ है नहीं? थोड़ी देर में बस मैथिली ठाकुर यहाँ पर आने वाली है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और मैथिली ठाकुर। तो अब हम लोग स्टेज पे जाने वाले हैं और मैडम लेके जाएंगे हमें, आप फिर पकड़ लीजिएगा हाथ देखना। तो हम अभी हैं बैक स्टेज और लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। Ladies and gentlemen, please welcome Maitri Thakur.
थैंक यू। वो भी यहाँ पर सम्मान दे रही है। थैंक यू। अभी मेरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे सभी कवि जन हैं। मैं कवि दिनेश बावरा हूँ, मैथिली का फैन हूँ और मेरे बिल्कुल मैं कवि रोहित शर्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैम हनी कैसा रहा आज का दिन, कैसा लगा तुमको? ओपी अब यहाँ पे सिर्फ फोटो 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 हो रहा है। चलिए तो आज एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिली, ये देख सकते हैं आप, श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर यही पे छपती है और इतने छोटे से डायरी में, पॉकेट साइज डायरी में पूरा गीता है इसमें और आप पढ़ सकते कहीं भी। तो ये मेरा बेस्ट गिफ्ट है। वेन्यू यानी चंपा देवी पार्क से वापस होटल की ओर। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा, स्पेशली लोगों का उत्साह वो देख करके खुद में भी बहुत अच्छा मतलब फीलिंग आ रहा था कि आज बहुत अच्छे से गाना है। तो इधर संध्या मैम है हमारी, ये जब से हम लोग गोरखपुर लैंड हुए हैं तब से मैम लाइजनिंग ऑफिसर है, तो हमको बिल्कुल मैनेज करिए कि कहाँ कहाँ कैसे होगा। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं अपने इंस्टाग्राम खोल करके देख रही हूँ, अरे बाप रे सब लोग स्टोरीज में भर दिया। अरे सब आ रहे रोने क्यों लग गए? अब प्रज्ञा अब स्माइल आप ये है, ये है प्रज्ञा और ये बहुत प्यारी बच्ची है और ये रामचरितमानस जो मैं रोज सुबह गाती हूँ मेरे साथ गाती है, ये है आंटी और अरे छोटू तो प्रज्ञा, नाम क्या है आपका? मानस और प्रज्ञा दो बहुत क्यूट क्यूट है और देखो मैंने इसको गिफ्ट दिया मतलब मैं देती नहीं हूँ किसी को चौथ में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ए, गाना हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy fake birthday to you। Sunny क्या कर रहा है? Sunny खा रहा है। नहीं 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 क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बिना और कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी देखे ना क्या बोली थी दीदी, बोलो ऑर्डर कर ले फिर चावल खिला के मेरे को। अरे चावल दाल खाओ ना बढ़िया से, पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तो अभी कपड़ा वपड़ा सब बदल के आराम से सब कुछ साफ सुथरा करके सारे कपड़े की पैकिंग और अब चलते हैं खाना खा के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत भूख लग रही है और बहुत थकावट हो रही है, एडिटिंग भी करना, उसके बाद सोना भी है। तो बने रहे ब्लॉग में, बस जल्दी से खाना पीना खा के आते हैं। चलो दीदी जल्दी चलो, तब से फोन में लगी कर क्या रही है तू तब से? भाई साहब इतने सारे लोगों ने मुझे टैग किया, मैं सब शेयर करूँ। चलो दीवार पिक्चर की उस पे जो है दीवार बनी हुई है, मेन्यू भी जो है वो एकदम उनके फिल्म के नाम पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या सूर्यवंशन में आप खीर खिलाएंगे? शहर वाली ये फास्ट का आइटम डाला गया है इसमें टोटल। तो ये स्पेशली अयाचे के लिए, सनी आज तुम्हें सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अंकल सर हम लोग बहुत आप लोग को मिस कर रहे हैं, आप आए नहीं, रिक्वेस्ट है अगली बार आइएगा तो जरूर आइएगा। बस कॉपीराइट ना मार दे कोई गाने पे। तो आज का दिन यहीं पर खत्म। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ हमारे जितने स्टाफ है जिन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो आप सभी जितने लोग ऑडियंस है बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय 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 बाय। बस हो गया।